दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हिंदू समाज में गाय के मूत्र को पवित्र माना जाता है और यह चीज़ वेद पुराणों में कही गई है और डॉक्टर भी इस चीज़ को फायदेमंद मानते हैं। अगर आप गाय का मूत्र पीते हैं तो इससे आपको बहुत सारा फायदा होने वाला है। लेकिन दोस्तों, अगर वहीं पर बात करें मुस्लिम समाज की, तो मुस्लिम समाज के लोग ऊँट का पेशाब पीते हैं। आपने देखा होगा, अक्सर यह बात कहीं ना कहीं चर्चाओं में रहती है कि आखिर मुस्लिम लोग क्यों ऊँट का पेशाब पीते हैं। दोस्तों, इस वीडियो से मेरा किसी धर्म विशेष को हेट पहुंचाने का मकसद बिल्कुल भी नहीं है और यह जो जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ, यह मैं गूगल करके काफ़ी रिसर्च करके इकट्ठा किया हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना और आप अपनी राय जरूर देना। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अरविंद और आप देख रहे हैं प्रजापति यूट्यूब चैनल। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर देना। आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, तो प्लीज़ लाइक करना और आप इस वीडियो को शेयर भी कर देना ताकि और लोग भी इसके बारे में जान पाएँ, और आप चैनल सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पे कर देना। दोस्तों, अफ्रीकी देश युगांडा के कारामोजा इलाके में लोग अलग अलग कारणों से ऊँट को पालते हैं। ऊँट में उन्हें सिर्फ दूध और मांस नहीं मिलता, बल्कि इसके पेशाब को भी वह बहुत ही गुणकारी मानते हैं। कारामोजा के लोगों का कहना है कि ऊँट का पेशाब ना सिर्फ स्वस्थ रहने में मदद करता है, बल्कि इसे पीने से HIV एड्स जैसी बीमारियों का भी इलाज किया जा सकता है। हालांकि दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने लोगों से ऊँट के पेशाब से दूर रहने को कहा है। WHO के मुताबिक इससे कोई बीमारी ठीक नहीं होती, बल्कि उल्टा बीमारी लगने का खतरा है। लेकिन अफ्रीका न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक कारामोजा में बहुत से लोग इसे दवा के तौर पर लेते हैं। वहां के एक स्थानीय निवासी इदरीस सबान ने कहा कि इस मूत्र को आप दिन में 3 बार पीजिए, सुबह को, शाम को और दोपहर में। अगर फिर भी एड्स के लक्षण दिखाई देते हैं तो इसे आप 4 महीना लगातार पीते रहिए। अगर आपको मुंह में दर्द होता है तो चिंता मत कीजिए, वह जल्दी चला जाएगा। दूसरी तरफ WHO का कहना है कि ऊँट का मूत्र पीने से सांस संबंधी बीमारी मार्स हो सकता है, इसलिए किसी को भी किसी हालत में ऊंट के मूत्र को नहीं पीना चाहिए। हालांकि युगांडा की सरकार की तरफ से इस बारे में कुछ नहीं कहा गया है। ऐसे में सस्ता इलाज चाहने वाले लोगों को इसमें कहीं ना कहीं एक उम्मीद दिखाई देती है। दोस्तों, सऊदी अरब में भी पिछले साल अधिकारियों ने ऊंट का पेशाब बेचने वाली एक दुकान को बंद कराया था। जब अधिकारियों को पता चला कि वह व्यक्ति ऊंट का पेशाब नहीं बल्कि अपना पेशाब बोतल में भर के बेच रहा था। सऊदी शहर अल कुनफुदा में जब अधिकारियों ने उसकी दुकान पर छापा मारा तो वहां से पेशाब की 70 बोतलें मिली। अब दोस्तों, हम आपको बता देते हैं कि आखिर मुस्लिम लोग ऊंट के पेशाब को क्यों पीते हैं। दोस्तों, ऊंट का पेशाब पीने की परंपरा की शुरुआत इस्लामिक धार्मिक किताब हदीस में एक उल्लेख में मानी जाती है। इसमें पैगम्बर मोहम्मद के हवाले से लिखा गया है, उल्क यानी उरैन कबीले के कुछ लोग मदीना आए तो यहाँ की जलवायु उन्हें रास नहीं आई, इसलिए मोहम्मद ने उसे दूध वाले ऊँटों के झुंड में जाने को कहा और उनका दूध और पेशाब दवा के रूप में पीने को कहा। ऐसे ऊँट के पेशाब को गुणकारी होने की बात जहाँ कई मुस्लिम विद्वान मानते हैं, वहीं पर कई लोग इस पर सवाल भी उठाते हैं, ऊँट का पेशाब गुणकारी नहीं होता। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, नीचे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।